अरे सुनो सिस्टर, 2 नंबर बेड के मरीज की ड्रेसिंग होनी है, उसे जल्दी से कर लो। ठीक है। अरे सिस्टर, आप कुछ भूल तो नहीं रही हैं? नहीं, ड्रेसिंग ट्रॉली में पूरा सामान है। सिस्टर, हाथ धोए क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले धोए थे। सिस्टर, आपको तो पता है ना कि पेशेंट को छूने से पहले और छूने के बाद आपको हाथ धोना चाहिए, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य और पेशेंट के स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। जैसे हर मरीज को छूने से पहले, हर मरीज को छूने के बाद, मरीज पर कोई भी एसेप्टिक क्रिया करने से पहले, मरीज के संपर्क में आई हुई या प्रयोग करी हुई वस्तुओं को छूने के बाद हाथ जरूर धोएं या हैंड रब से साफ करें। मरीज के खून या शारीरिक द्रव्य के संपर्क में आने के बाद हाथ या फिर शरीर के संपर्क में आए हुए हिस्से को धोने में देर ना करें। अब ठीक समझ गए डॉक्टर साहब, अभी हाथ धो करके आती हूँ। सिस्टर, इतनी जल्दी आपके हाथ धुल गए? क्यों, साबुन लगाकर रगड़कर पानी से ही तो हाथ धोना था। सिस्टर, हाथ धोने के कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं, देखो इस पोस्टर में साफ दिख रहा है। ये पोस्टर हर वॉश बेसिन के ऊपर लगा रहता है और ये हाथ धोने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। सिस्टर जरा आप हाथ आगे करिए। देखिए सिस्टर, इनके हाथ प्रोसीजर के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नाखून कटे हुए हैं, नेल पेंट नहीं लगा है, कोई भी धागा चूड़ी या अंगूठी नहीं पहनी हुई है। अब समझ गई मैडम, आगे से ध्यान रखूंगी, क्योंकि स्वच्छ हाथ तो स्वस्थ भारत।